हेलो हेलो एवरीवन। सो प्रभु को याद करते हुए अगर आप इस रीडिंग पर आपने क्लिक किया है या आपके सामने ये रीडिंग आई है, तो क्या आपके लिए दिव्य संदेश है? क्या यूनिवर्स, क्या आपके प्रभु जिन्हें आप मानते हैं, या यूनिवर्स का डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे थ्रू दीज कार्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वन बाय वन। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए? ओके जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जब भी ये आपके सामने आई है या आपका देखने का मन हुआ है और आप इसे देख रहे हैं, ये उस वक्त के लिए ही आपके लिए एप्लीकेबल है कि आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आज के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके सो देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, जो ये ऐसी चीज़ बताता है कि जीवन में यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि आप पैसा और कमाना चाहते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कोई स्किल है, आप उसको और बखूबी तरीके से दिखाना चाहते हैं, बट मन ही मन घबरा भी रहे कि आपको करना चाहिए कि नहीं, इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं अपने ऊपर, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं। तो पहली चीज़ तो प्रभु को शुक्रिया अदा करें कि आपके पास जो भी टैलेंट है, जो भी आपको स्किल दिया है, या जो भी आपका कुछ करने का मन कर रहा है, इस बुद्धि के लिए थैंक यू कहिए कि आपको ये प्राप्त हुई, और उस बुद्धि से कैसे आप आपके आसपास के लोगों की भलाई, अपनी भलाई, और उसी टैलेंट से कैसे धन का लाभ कर सकते हैं, ये बहुत ही बड़ी कृपा होती है ऊपर वाले की। तो इस टैलेंट को किसी भी वजह से अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट समझकर या अपने आप को ये समझ कर कि भैया शायद से मैं नहीं हूँ उतना टैलेंटेड, या मुझे करना चाहिए कि नहीं पता नहीं, तो कोशिश करने के लिए 100% यस है। चाहे आप व्यापार में करना चाहते हो, चाहे आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा डिज़र्व करता या करती हूँ अपने काम में या अपने रिलेशनशिप में, जो भी बात आपके मन में है, कि अपने आप को किसी से कम मत समझो, यही कहो कि मैं सबसे ज़्यादा भाग्यवान और प्रभु मेरे पे कृपा करे, यही अपने आप को पॉजिटिव बात है आपका। ये ना कहे कि मेरा भाग्य ही ख़राब है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, ये बिल्कुल भी ना सोचे, पॉजिटिव एफर्मेशंस मन में रखें। ये एक ऐसा कार्ड है जो बता रहे हैं कि यूनिवर्स आपकी कृपा ज़रूर सुन रहे हैं, आपकी कोई भी, कहते हैं कि आपकी कोई भी दुआ व्यर्थ नहीं जाती है, सुनी ज़रूर जाती है, बट वो प्रभु के सही टाइम पर आपको मिलती है। तो ये कार्ड ऑफ जजमेंट का कार्ड आया, जो आपको कह रहे हैं कि आपकी जो इच्छा है, जो आप कह रहे हो, वो प्रभु के टाइमिंग के हिसाब से पूरी होगी, बट ज़रूर कोई गुड न्यूज़ मिलने के पूरे पूरे आसार बने हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। बिकॉज ये एक ऐसा कार्ड है कि बहुत बहुत डिले के बाद में फाइनली वो काम होने जा रहा है, ऐसा है। यहाँ पर ये जो कार्ड है, द 10 of Cups के कार्ड आया है, जो एक खुशी का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, कंटेंटमेंट का कार्ड है। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आप जीवन में कोई बड़े इवेंट का वेट कर रहे हैं, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि यार मेरा ना शायद से मुझे शादी करनी है, मेरे को शादी का रिश्ता नहीं आ रहा है, मेरे को जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रही है, या कोई भी काम जिसके ऊपर आप प्रोसेस में हो करने के, या बड़े टाइम से उसकी इच्छा में हो करने के लिए, तो प्रभु यूनिवर्स आपको ये, मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं दूंगी, बिकॉज़ यहाँ पर मैंने सवाल मन में यही पूछा है कि क्या गाइडेंस है जो भी ये रीडिंग देख रहे, तो ये टाइमलाइन के ऊपर, सॉरी ये टाइम फ्रेम नहीं, कि एक महीने में हो जाएगी, एक महीने में काम हो जाएगा, नहीं, ये दिव्य संदेश है। दिव्य संदेश ये आपके लिए कह रहा है कि जो भी चीज़ का आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है, जिस भी चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हो, वो आप राइट ट्रैक पर चल रहे हो और वो आपका काम बनेगा। विश्वास रखे और धैर्य रखे, ये दो चीज़ें बहुत शक्तिशाली होती है कोई भी सपने को पूरा करने के लिए। अपने ऊपर विश्वास है, अपने प्रभु पर अगर विश्वास है, तो चिंता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर चिंता है, मतलब विश्वास में कमी है, ये हमेशा याद रखना। तो चिंता हटाकर प्रबल विश्वास पैदा करें, तो ज़रूर आपके काम में सक्सेस आती हुई दिख रही है। और ये इतना कह सकती हूँ कि ये नियर बाय है, बहुत देरी से मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है, नियर बाय फ्यूचर में पॉसिबल है। अब और गाइडेंस कार्ड भी क्या आती हुई दिख रही है, क्या संदेश है,
और देख लेते हैं। समवेयर आई फील कि आपके आपको मन में ना लग रहा होगा कि आपके भाग्य में कुछ अच्छा कुछ बड़ा होने वाला है। यू विल फील दैट। अब वो कितनी भी लेवल की इंटेंसिटी पे हो, बट आई फील कि आपको लगेगा यू नो कि यस ये हो जाए। देखो अबंडेंस आ गया है, आई एम सो हैप्पी। ओके ओके, सो मुझे ना था कि इस रीडिंग में ना देर आर चांसेस कि जो हम गाइडेंस निकालेंगे, बिकॉज ये टेन ऑफ कप्स भी प्रॉस्पेरिटी का है, ये भी प्रॉस्पेरिटी का है, एंड समवेयर ये इच्छा पूर्ति का कार्ड है, और ये कार्ड देख के आई एम वेरी वेरी हैप्पी। चलो पहला कार्ड पहले देख लेते हैं। What you choose becomes your destiny. Choose wisely. Selection. तो देखो दिव्य संदेश ये भी कह रहा है, कुदरत आपको समझाना चाहती है कि भैया तुम क्या चूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में। नो ये चूज़ का मतलब होता है हम दिन भर में क्या कहते रहते हैं खुद को, यू नो दिन भर क्या सोचते रहते हैं हम, दिन भर अपना गोल क्या हमने बनाया हुआ है, हमारा फोकस क्या है। तो कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू करते हुए, अपने सही डिसीजन लेते हुए, श्रेष्ठ कर्म करते हुए, मन में प्योरिटी के साथ में और दूसरों की भलाई की मन में रखते हुए अगर आप कोई काम करते हैं और प्रभु को अर्पित करते हुए काम करते हैं, सक्सेस ज़रूर आज नहीं तो कल उसमें मिलती ही है। और इस प्रोसेस में होता क्या है, मन भी बड़ा शांत रहता है। जब हम लोभ और माया के साथ चलते काम करते हैं कि बस ये मिल जाए पैसा ही पैसा आ जाएगा, बस ये हो जाए पैसा ही पैसा हो जाएगा, फिर अच्छाई बुराई दिखनी बंद हो जाती है, हमें सिर्फ पैसा पैसा ही दिखता है, बस हमें हमारा ही गोल दिखता है, चाहे जैसे तैसे उसको पाले, उस चीज़ में सुख नहीं है। जितना सुख धैर्य शांति मेहनत और दृढ़ लक्ष्य के साथ जब हम करते हैं और प्योरिटी के साथ करते हैं, उसका ज़्यादा मज़ा है और ज़्यादा लाभ है। और फिर भगवान उसको जब मल्टीप्लाई करके देता है ना, तो फिर बात ही अलग होती है। एंड यहाँ पर द कार्ड ऑफ अबंडेंस है, ठीक है। ये जैसे मैंने कहा मैं देखती ही खुश हो गई, बिकॉज यू विल रिसीव अबंडेंस। ओके, तो अबंडेंस पैसे के मामले में ही नहीं, अबंडेंस खुशियों के रूप में भी, अबंडेंस आपकी इच्छा पूर्ति में भी, चाहे जो भी आपके मन में यू नो एक प्रकट हो रहा हो कि भैया ये आ जाए, तो वो भरोसा रखो कि देंगे भगवान आपको, देंगे आपकी जो भी परिस्थिति है, चाहे धन में है, चाहे रिश्तों में है, चाहे संतान सुख चाहते हैं, जो भी हो, बट एक अबंडेंस मीन्स यू नो कहते ना कि ये आशीर्वाद से हमें मिला है, ये हम इसके लायक नहीं थे ना हम इसके काबिल थे, हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये मिला है, उसमें उसी में आनंद है। सो यू नो ये वो वाली चीज़ वाला अबंडेंस आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ अ ग्रेट ग्रेट एनर्जी। यहाँ पर द लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। यू नो जैसे मैंने कहा ना कि अब आपके ऊपर निर्भर करेगा, यूनिवर्स से आपको रिमाइंडर भी दे रहा है, श्योरिटी भी दे रहा है, और कह रहा है कि भैया देखो डामाडोल मत हो अपने कर्म। कई बार हम हो जाते हैं ना यार, इतना इतना हमने अच्छा किया है, इतना ये करते हमने किसका बुरा किया है, एंड वो देखो चलाकी करके आगे चले गए, पॉलिटिक्स करके आगे चले गए, नो आज नहीं तो कल गलत कर्मों का फल सबको मिलेगा। अभी देखने में हमें नहीं दिखाई देता है, बट यस कर्म घूम के ज़रूर आते हैं, आपके कर्म चाहे इस जन्म के हो पिछले जन्म के हो, जितना हो सके अपनी बुद्धिमत्ता से सही कर्म के रास्ते पे रहेंगे तो वही सबसे सबसे एक सत्य चीज़ है, उसको नहीं बदल सकते आप। आपको आपकी नज़र के आगे सिर्फ एक दो इंसानों को आपने देख लिया होगा कि भाई गलत करके यू नो ये अच्छा हो गया तो हम क्यों ना करें, वो सिर्फ यू नो हमारी बुद्धि कई बार इन्फ्लुएंस हो जाती है, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। तो ये आपको रिमाइंडर भी देने आए, तो धैर्य रखिएगा, और आपके जीवन में जब प्रभु की कृपा है, जब आपको सही दिशा मिल गई है और बस उस सही दिशा चलने में थोड़ा धैर्य रखना है, तो भाग्य उदय के लिए सब्र करना और शांति रखना तो अच्छा माना जाएगा। तो समवेयर आई फील कुछ अच्छे होने के संकेत दिव्य संदेश आपको दे रहे हैं। सो आई विश यू ऑल द गुड लक, ऑल द बेस्ट। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है, एंड कमेंट भी कीजिएगा दैट यू नो आई ट्रस्ट यूनिवर्स। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।